किर्चफ्स, ये एक जर्मन फिजिस्ट है। इनका पूरा नाम है गुस्ताव किर्चफ्स। इन्होंने 1845 में किर्चफ्स लॉ को इन्वेंट किया था। किर्चफ्स के दो लॉ है, एक है किर्चफ्स करंट लॉ और दूसरा है किर्चफ्स वोल्टेज लॉ। ये जो किर्चफ्स करंट लॉ है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा है किर्चफ्स वोल्टेज लॉ, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किर्चफ्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एट ईच जंक्शन, ओके, ये जो जंक्शन जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट ईच जंक्शन द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। यह है किर्चफ्स लॉ का फर्स्ट डेफिनेशन। किर्चफ्स फर्स्ट लॉ का एक और डेफिनेशन है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू द जीरो। ठीक है, ये जो किर्चफ्स फर्स्ट लॉ है इसे हम किर्चफ्स करंट लॉ के नाम पे भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, अगर आपको किर्चफ्स फर्स्ट लॉ बोले या किर्चफ्स करंट लॉ बोले, ये दोनों सेम है। तो किर्चफ्स करंट लॉ क्या बोल रहा है, एट ईच जंक्शन, मान लीजिए कि एक मटका है, ठीक है, इसे हम जंक्शन बना देंगे। तो मैंने एक दो तीन वैरायटी के ग्लास से, मैंने तीन ग्लास से पानी भर दिया, इस मटके को एक चार पांच छेद लगा दिया, तो क्या हो गया, पूरा पानी निकल गया। तो यहां पर पानी कितना निकला, मैंने तीन ग्लास डाला तो तीन ग्लास पानी निकल गया, जो डाला जो निकला दोनों बराबर है ना। ये क्या बोलता है, किर्चफ्स फर्स्ट लॉ, किर्चफ्स करंट लॉ, द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, दोनों बराबर है। ये क्या बोलता है, किर्चफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक उसी तरह से किर्चफ्स सेकंड लॉ क्या बोलता है, किर्चफ्स सेकंड लॉ का एक और नाम है किर्चफ्स वोल्टेज लॉ। किर्चफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये जो क्लोज्ड वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज, ओके, द अप्लाइड टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, ओके, ये भी सेम है। मान लीजिए कि मैंने एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया, उस सर्किट के अंदर एक चार लैंप को मैं कनेक्ट कर देता हूं, जब मैं इनपुट में जो सप्लाई दूंगा और जो चारों लैंप में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो दोनों बराबर है। ये क्या बोलता है, वोल्टेज, किर्चफ्स वोल्टेज लॉ या किर्चफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि हमें किर्चफ्स लॉ को क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है, एक नेटवर्क रहता है, जैसे हम सर्किट्स बोलते हैं ना, तो नेटवर्क में आरएलसी जो एलिमेंट्स है उसे हम कनेक्ट करते हैं, वो क्या बोलते हैं, हम उसको एक नेटवर्क बनाते हैं। उस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ता है ना। टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए नेटवर्क किर्चफ्स लॉ इज नीडेड। ठीक है, किर्चफ्स लॉ की क्यों जरूरत है हमें, कि एक नेटवर्क में उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए एक किर्चफ्स लॉ हमें जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये किर्चफ्स वोल्टेज लॉ हो गया या किर्चफ्स करंट लॉ हो गया, ये दोनों लॉ को हम लंप्ड पैरामीटर सर्किट्स में हमें इसे यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आपको इतना नॉलेज रहना चाहिए कि किर्चफ्स करंट लॉ और किर्चफ्स वोल्टेज लॉ है, ये सिर्फ लंप्ड पैरामीटर सर्किट में ही इसका इस्तेमाल होगा। तो किर्चफ्स वोल्टेज लॉ और करंट लॉ कहां पर इस्तेमाल नहीं होगा, इसका आंसर क्या रहेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सर्किट पर इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ये लंप्ड पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, इसे मैं डिटेल में एक वीडियो बना दिया हूं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए शॉर्टकट में बोल देता हूं। लंप्ड पैरामीटर सर्किट का मतलब होता है, यहां पर जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर जो है ये कम मात्रा में होते हैं, है ना, इसका क्वांटिटी कम होता है, इसलिए नेग्लिजिबल में रहता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको लंप्ड पैरामीटर सर्किट बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सर्किट का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे ज्यादा आरएलसी, नंबर ऑफ आरएलसी जो एलिमेंट्स है वहां पर ज्यादा होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट नेटवर्क बोलते हैं, है ना। आपको एक मैं एक बोनस पॉइंट दे देता हूं,
आपको पता चला कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ करंट लॉ जो है लंप्ड में काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड में काम नहीं करेगा, लेकिन जो ओम्स लॉ जो है ये दोनों पर भी काम करेगा, लंप्ड एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क पे दोनों में भी ओम्स लॉ काम करेगा।